शिव मंदिर में भगवान को पाने के लिए। किसी दूसरे से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात या अपने दुखड़े आप किसी से कह भी दोगे तो कोई तुम्हारे दुख को कम करने वाला नहीं। कौन कम कर? आप अपने दुखड़े किससे कह सकते हैं, किसको कहो? दुनिया वालों से अगर अपने दुखड़े कहोगे तो लोग हंसेंगे। केवल आप परमात्मा से अपने मन की बात कहेंगे तो वो परमात्मा श्रवण करे। आज से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं आषाढ़ के। गुप्त नवरात्रे का मतलब क्या होता है? हृदय से, किसी को बता के नहीं, हृदय से, गुप्त भाव से, अपने मन से माँ जगत जननी की, माँ जगदम्बा की आराधना करना। अपने चार नवरात्रे में से दो नवरात्रे गुप्त होते हैं और दो नवरात्रे उजागर होते हैं, चैत्र का शरद का अश्विन। पर दो नवरात्रे गुप्त है। इन दोनों नवरात्रे को गुप्त इसलिए रखा गया कि अपने दिल की बात को अंदर रखे, किसी से मत कहो। गुप्त नवरात्र का मतलब है आप माँ अम्बा से, माँ जगदम्बा से, माँ आदिशक्ति से, भोलेनाथ जी से, राम जी से, कृष्ण जी से, आपके इष्ट से आप अपने मन की बात कहें। उसी तरह गुप्त नवरात्र हमको ज्ञान देते हैं कि अपने दिल की बात इधर उधर नहीं कहना, अपने दुखड़े यहाँ वहाँ जाकर नहीं रोना। अगर दूसरों के सामने जाकर अपने दुखड़ों को हम रोएंगे तो दुनिया केवल हंसेगी, इसके सिवाय कुछ नहीं करेगी। साथ कौन देते? ज्ञान देने वाले दुनिया में मिल जाएंगे पर सहयोग देने वाले कम मिलेंगे। ज्ञान देने वाले तुरंत मिल जाएंगे पर सहयोग देने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। आप अगर दुखड़ा रोएगी ना तो लोग कह देंगे ऐसा कर लेना था तुमको, ऐसा कर लेना था, वैसा कर लेना था, ये कर लेना था, वो कर, सब कह देंगे पर सहयोग कोई नहीं देने वाला। कौन देगा सहयोग? तो फिर कहना क्यों उनसे, बोलना क्यों उनसे? आपके दिल में आया आप देवदत्त महादेव के पास पहुंच गए, आपके दिल में आया आप शंकर के करीब में पहुंच गए। एक पत्र है, मेरा नाम श्रीमती आशा शर्मा है, मैं हरिपुरा विदिशा की निवासी हूं। आशा शर्मा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम श्रीमती आशा शर्मा है, मैं हरिपुरा विदिशा की निवासी हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? एक बार वापस हाथ हिलाओ, आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ। मेरा नाम श्रीमती आशा शर्मा है, मैं हरिपुरा विदिशा की निवासी हूँ। मेरे पति श्री दिनेश शर्मा 2 साल से बीमार हैं, उनके शरीर में गठान बताई गई थी। 3 बार जाँच में पता चला कि उनको कैंसर बताया गया। जब हमने 2-3 जांच करा ली तब मालूम पड़ा कि उनको कैंसर बताया गया। हम AIMS हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए उनको बोल दिया गया। एम्स हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन के लिए बोला गया, ऑपरेशन कराने के पहले हमने विचार करा कि हम इनको ऑपरेशन हम कराएंगे पर थोड़ा रुक कर कराएंगे। हमने डॉक्टर साहब से कहा हमको थोड़े से दिन दे दो, उसके बाद हम ऑपरेशन करा लेते हैं।
डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना जरूरी है क्योंकि कैंसर फैलता है। हमने हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर और हम सीधे अपनी जांच और दवाइयां लेकर अपने घर आ गए। घर पर आने के बाद हमने विचार करा करें क्या, फिर हम कुबेरेश्वर धाम गए, वहां से हमें एक रुद्राक्ष लिया है, कंकर शंकर की हमने पूजन कर ली और रुद्राक्ष लाकर पत्र को आप लोग पढ़ सकते हो लेडी पर, रुद्राक्ष को लाकर जल में गलाकर वो जल हम शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। हम बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, वो जल लाकर अपने पति को देना प्रारंभ करा और धीरे 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 हमने 15 दिन निकाल दिए और 15 दिन के बाद हमने वापिस एम्स हॉस्पिटल में फिर जांच कराया। तो जांच कराने पर उन्होंने कहा अब इनके शरीर में कैंसर की गठन नहीं है और कैंसर नहीं है, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आजा। मेरा नाम श्रीमती आशा शर्मा, मैं हरिपुरा विदिशा की निवासी हूँ। अब रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, गठान भी नहीं कैंसर भी। ये शिव तत्व के प्रति, भगवान शंकर के प्रति कह रही हैं, जिस दिन कैंसर का बताया था फैलने का उसी दिन ऑपरेशन का डॉक्टर बोल दिए थे, फिर सीधे बाबा के धाम पर जाकर। एक अविरल भक्त, एक विश्वास शिव के प्रति जागृत था। और जब एलईडी नहीं चल रही है, एलईडी नहीं चल रही कि आवाज नहीं आ रही है, एलईडी नहीं चल रही। एलईडी चालू करवा दीजिए, एलईडी वाले। एक विश्वास जब हमारे भीतर जागृत होता है, एक भरोसा जब हम मेरे भोले बाबा के प्रति जागृत कर लेते हैं तो ये निश्चित है। मेरे बाबा दया करना, जगत पर आश्रित नहीं होना। कोई बाबा तुमसे कह दे कि मेरे पास बैठ जाओ मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, बाबा से कहना आप शंकर की शरण में बैठ जाओ, वो तुम्हारा कल्याण कर देगा। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ना, किसी प्रपंच में नहीं पड़ना। हमें बैठना है हमारे देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठा। दुख आया है शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर पहुंच जाओ। किसी के पास कहां जाओगे, किससे कहोगे, किसके आगे जाके दुखड़ा रोगे, किससे विनय करोगे। शंकर की शरण में जाकर उसके चरणों में बैठ जाओ, उसके चरणों में। और
शिव जी के मंदिर की सेवा करना प्रारंभ करो। चक्र, आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग लगाते हो? करना चाहिए। दुनिया की नौकरी करोगे वो महीने की तनख्वाह देता है, और मेरे महादेव की नौकरी करोगे तो वो जिंदगी भर की तनख्वाह देता है। जिंदगी भर की तनख्वाह मेरा देव अधिदेव महादेव प्रदान करता है, केवल महीने की नहीं, जिंदगी भर। आप आश्रित हो उस पर। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम इधर उधर भटक रहे हैं। हम भटकना छोड़कर भगवान की शरणागति ग्रहण करें। असुरों ने भगवान का चेहरा देखा था और देवताओं ने भगवान के चरण देखे थे। कभी भी मंदिर शिवालय देवालय जाइए, भगवान के चरण देखना प्रारंभ कर दिए। हमारे पुष्टि मार्ग में पांच दर्शन की मूलता है। हम आटोयाम के दर्शन नहीं बोल रहे, हम पंच दर्शन की बात कर रहे हैं। हमारे पुष्टि मार्ग में आटोयाम के दर्शन तो होते हैं, पर हमारे पुष्टि मार्ग में पांच दर्शन की मूलता होती है। सबसे पहला दर्शन भगवान के चरणारविंद का। दूसरा दर्शन भगवान के नाभि कोश का, जो कि मंगला में होता है, नाभि का दर्शन। तीसरा दर्शन भगवान के वक्षस्थल का। चौथा दर्शन भगवान के नेत्रों का। और पांचवा दर्शन भगवान की, श्रीनाथ जी की जो आड़ी टेढ़ी चोटी नीचे की ओर आती है, शिखा जो मेरे श्री जी बाबा की, मेरे गोवर्धन नाथ जी की, मेरे ठाकुर जी की शिखा जो नीचे आती है, उसका दर्शन। पंच दर्शन, पांच दर्शन। पहला चरणारविंद का, भगवान के चरणों का दर्शन करते हुए मन से कहिए कि बाबा मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। नाभि का दर्शन करते हुए कहिए बाबा आपकी नाभि इतनी गहरी है कि आपने ब्रह्मा जी को कमल के पुष्प के ऊपर प्रकट कर दिया, अपनी नाभि से बाहर निकाल दिया। जैसे नाभि गहरी है वैसे ये भव सागर गहरा है, इससे हमको बाहर निकाल दो। तीसरा दर्शन वक्षस्थल का, हृदय। भगवान के हृदय का दर्शन, छाती का दर्शन, वक्षस्थल का दर्शन करो तो भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान आपके हृदय में हमें निवास दे, अपने हृदय, क्योंकि ये मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, आम का अचार डालें, नींबू का अचार डालें, चाहे गोंदे का अचार डालें, लेसुए का अचार डालें, चाहे गाजर का अचार डालें, चाहे मूली का अचार डालें, ये अचार कभी भी स्टील के बर्तन में नहीं रखते। बोलो तो मेरी जीजियां सही है, स्टील के बर्तन में अचार नहीं रखती, पीतल के बर्तन में अचार नहीं रखती, लोहे के बर्तन में अचार नहीं रखती, तांबा कांसे के बर्तन में अचार नहीं रखती। मेरी बहनें चीनी कांच की बरनी में अचार को रखती हैं, क्योंकि इनको मालूम है कांच की बरनी में अचार सुरक्षित रहेगा, चीनी की बरनी में अचार सुरक्षित रहेगा। तो भगवान से कहना, भगवान तुम्हारे हृदय से सुंदर कोई बरनी नहीं है, मेरे जैसे अचार की फांक को अपने दिल में रख। तुमसे अच्छी हृदय जैसी बरनी कहां मिलेगी, रख। और भगवान अपने हृदय में आपको रख लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है विदिशा वालों को तब अचार की फांक निकाल के दे देते हैं, जैसे ये 7 दिन के लिए अचार की फांक मिली। ये 7 दिन के लिए अचार की फांक मिली थी शिवपुराण। अब इस शिवपुराण में कई लोग आते हैं, किसी को अचार का मसाला पसंद आता है, किसी को अचार का तेल पसंद आता है, किसी को अचार की फांक पसंद आती है, किसी को अचार की गुठली पसंद आती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको शिवपुराण में भजन पसंद आते हैं, किसी को कथा पसंद आती है, किसी को उपाय पसंद आते हैं, किसी को भगवान शंकर की शरणागति पसंद आती है, और किसी किसी को गुठली पसंद आती है। गुठली से मतलब है कि वो केवल यहाँ आकर ये देखते रहते हैं कि क्या क्या गड़बड़ हो रहा है, वो दिखाना है, बस वो गुठली उनके हाथ में लग पाता है। अरे अचार की बरनी खुली है, तेल चाट लो, मसाला चाट लो, फांक चाट लो, बन सके तो उसका सुगंध ले लो, उसको खा लो, गुठली से मतलब तुमको क्या है। पर फिर भी इतना सारा कीचड़ है,
लोग इधर से निकल के जा रहे हैं और मालूम पड़े हमारे विदिशा में कथा हो रही है, अच्छे से अच्छा अचार मिल रहा है, उसको चाटने का प्रयास करो, गुठली को खा खा के उसका रोंगड़ा मत निकालो। गुठली को खा खा के उसका रोंगटा मत निकालो, आखिरी में गुठली तो गुठली रह जाती है। और 7 दिन की कथा पूरी होकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं और उसके रोंगड़ा निकलता रहे। और अभी अभी जल्दी रोंगड़ा खत्म भी नहीं होगा, 4-6 दिन तक और निकलेगा। भगवान से कहो, प्रथम दर्शन चरण का, दूसरा दर्शन नाभि का, तीसरा दर्शन हृदय का, चौथा दर्शन भगवान की निगाह का, नेत्रों का दर्शन करिए मेरे भगवान के, नेत्रों से नेत्र मिलाने का प्रयास करिए मेरे ठाकुर जी के, मेरे श्री जी बाबा के, मेरे गोवर्धन नाथ जी के नेत्र तिरछे हैं, मेरे ठाकुर के नेत्र तिरछे हैं। तिरछे क्यों? क्योंकि जब बाल्टी कुएं में गिर जाती है तो उसको निकालने के लिए जो एंगल डाले जाते हैं वो टेढ़े होते हैं, टेढ़े टेढ़े एंगल डाले जाते हैं, टेढ़े टेढ़े सरिये डाले जाते हैं, टेढ़े टेढ़े सरिये जब नीचे जाते हैं तो कुएं में से बाल्टी निकाल कर ले जाते हैं। उसी तरह ये भाव सागर गहरा है, हम जब भगवान के नैनों का दर्शन करते हैं तो उसमें अटक जाते हैं, अटक जाते हैं तो भाव से पार हो जाते हैं। ये चौथा पांचवा दर्शन है भगवान की, जम के बोलो सब, शिखा। मेरे श्री जी बाबा की चोटी का दर्शन करना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसी लहर खाती खाती आखिरी में नीचे जाती है। मेरे ठाकुर जी की शिखा कहती है, उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ पर मेरे चरण को मत भूल जाना, मेरे चरणों में हमेशा पड़े रहना, इसलिए चोटी नीचे जाती है। चरण पर ध्यान देना, मुखाग्रविंद पर ध्यान नहीं, चरणों पर दीजिए। किसी पर नारी को अगर देख भी रहे हो तो उसका चेहरा नहीं, उसके चरण देख। मेरे लक्ष्मण जी से पूछा गया था, क्या तुम ये तुम्हारी भाभी के जेवर हैं? सुनिए रामचरितमानस। अरे बोलो तो जम के सुनिए सबने, तुम्हारी भाभी के जेवर हैं, आभूषण हैं, इन आभूषण को तुम पहचानते हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि भाभी गले में क्या पहनती थी, मुझे नहीं मालूम कि भाभी सिर पर क्या पहनती थी, मुझे नहीं मालूम कि मेरी भाभी माँ अपने हाथों में क्या पहनती थी, मुझे नहीं मालूम कि मेरी भाभी माँ तगड़ी कमर में क्या पहनती थी, मेरी भाभी माँ के तो केवल पाँव के नूपुर और उनकी बिछुड़ी को मैं पहचानता हूँ, क्योंकि मैंने कभी उनका मुख का दर्शन नहीं करा, उनके चरण का दर्शन। यह है हमारा सनातन धर्म, यह है हमारा हिंदू धर्म। ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर लोग कह देते हैं कि सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, उनको बताना चाहिए यह हमारा सनातन धर्म आज नहीं रामचरितमानस से सिखाता रहा है कि स्त्री के चरण देखना चाहिए, मुख नहीं, चरणों की बात करता। पूछा गया, तुमने चरण, तुम क्या हार देखते हो? नहीं। तुमने बेंदा देखा? नहीं। तुमने चूड़ा देखा? नहीं। मैंने नहीं, मैंने हार नहीं देखा, मैंने चूड़ा नहीं देखा, मैंने तकड़ी नहीं देखी, मैंने कान के कुंडल नहीं देखे, मैंने नथड़ी नहीं देखी, मैंने नहीं, मैंने तो केवल देखा है तो मेरी भाभी माँ के केवल चरण देखे, केवल चरण। जरा विचार करिएगा, भाभी माँ के केवल चरण, केवल चरण। बच्चे ने फोटो बनाया है, बहुत बहुत केवल एक चरण, चरणों के सिवाय कुछ। हम भी मंदिर में जाएं तो भगवान का सुंदर स्वरूप देखें, मंदिर में जाएं तो शिवालय का दर्शन करें, मंदिर में जाएं तो भगवान के चरणों का दर्शन करें,
पर आज के जमाने में व्यक्ति घर में तो ऐप देखता ही है, नगर में मोहल्ले में तो ऐप देखता ही है, साथ में लोग मंदिर में भी ऐप देखते हैं। पंडित जी को कितना आ रिया, थाली में कितना चढ़ा। क्यों पंडित जी तुमने हड़ताली का तीज की कथा बाची तो ब्लाउज पीस कितना आया। क्यों पंडित जी डोल ग्यारस के डोल निकले, इधर निकलते हैं विदिशा में, डोल ग्यारस के डोल निकले तो पंडित जी से कह रहे केले कितने हैं। अब तू बता कि तूने कितने केले चढ़ाए, तूने कितना रुपया चढ़ाया, तूने कितना रुपया का दान किया। हिसाब वो लेता है जो देता है, जिसने दिया ही नहीं उसको हिसाब लेने का कोई जवाबदारी नहीं। उसको जवाबदारी नहीं है। क्यों महाराज जी, मंदिर में गए तो सबसे पहले थाली देखी, मंदिर में गए तो सबसे पहले जाले देखे, मंदिर में गए तो सबसे पहले साफ सफाई देखी, मंदिर में खड़े होकर के दिया। कितनी गंदगी हो रही महाराज, तुम ध्यान नहीं रखते। पंडित जी हम तुम्हें महीने की तनख्वाह देते हैं, तुम ध्यान नहीं देते। पंडित जी है नौकर नहीं, उसके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। सेवा का मूल पहचानो, सेवा के क्रम को जानो। घर में ऐप देखते रहे, मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुर ऐसा, मेरा ये ऐसा, मेरा वो वैसा, बाजार में ऐप देखते रहे, पर मेरे भगवान शंकर के शिवालय में जाना, शिव महापुराण में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, ऐप मत देखना। क्योंकि सबसे ज्यादा ऐप तो हमारे अंदर भरे हुए हैं, छल बेईमानी कपट निंदा सब हमें भरी है। जब हम जैसे ऐबले को महादेव स्वीकार कर रहे हैं तो फिर ऐप क्या संसार के देखना। इसलिए मंदिर में जाओ तो भगवान का भजन करिए, मंदिर में जाओ शिव को प्राप्त करने का प्रयास करिए, मंदिर में जाओ एक लोटा जल तुम जब शंकर जी को चढ़ाओ तो भगवान से कहना मेरे जैसे पापी को तुमने पकड़ रखा, बस इतनी कृपा करना कि भव सागर से तार देना, इतनी सी दया करना। अपने अवगुण भगवान से जाकर कहो, दूसरे के अवगुण नहीं। और मंदिर जाते समय अगर कोई तुमको ज्यादा ताने दे, अपशब्द बोले, तुम पे हंसे, उसे हंसने दो, ताना दे देन दो, आड़ा टेढ़ा बोले बोलने दो। तुम तो वो जितना जितना तुमसे आड़ा टेढ़ा बोले, तुम्हारे जो मंदिर जाओ और तुमसे कोई आड़ा टेढ़ा बोले तुम उतनी जोरदार खजूर वाली छोटी बना के और अच्छा अच्छा जूड़ा बना के और सिर पे पल्लू डाल के और बढ़िया हाथ में लोटा लेकर जाओ, आग लगे बस्ती में पपन रहे हो मस्त। वो जितना बोले अपन उतनी जोरदार चल जितना बोले। शिव स्तुति है शंकर को, तुम्हारे अंदर के अवगुण मेरे महादेव के सम्मुख में कह दो। ये नहीं कि महादेव को नहीं मालूम है, सबका मालूम है, सबका। जितने बैठे हैं उनका भी, जो नहीं आए उनका भी, जो टीवी पर सुन रहे हैं उनका भी, जो नहीं सुन रहे हैं उनका भी। जब अपन सब पैदा होते हैं ना तो जैसे मोबाइल वाला मोबाइल जब देता है ना तो उसमें सिम डाल कर देता है कि ये चालू हो जाएगा, बस बटन दबा लेना। अपन जब पैदा हुए थे तो परमात्मा ने भी अपने अंदर एक सिम डाल कर पैदा करा था। अपन सब लैपटॉप से जुड़े हुए हैं, उसके नीचे के लैपटॉप कभी भी उड़ सकते हैं, नीचे की आइस कभी भी उड़ सकती है, नीचे के मोबाइल कभी भी उड़ सकते हैं, नीचे का नेटवर्क कभी भी उड़ सकता है। ऊपर वाले ने जब पैदा करा एक एक सिम फिट करके भेजी है, तुम कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या कर रहे, किसके लिए निंदा कर रहे, किसके लिए क्या बोल रहे, उसके लैपटॉप में सब है। यहां से जब जाओगे सारा हिसाब बोल दिया जाएगा। एक कथा आती है, दो व्यक्ति मर गए, एक बस का ड्राइवर मर गया और एक महाराज मर गए। कथा करने वाले बड़े जोरदार थे, वो भी मर गए। लाइन लगी थी बैकुंठ में, सबसे पूछा जा रहा था तुम कौन, तुम कौन, सबको बताया जा रहा था तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहां चले जाओ। बस का ड्राइवर आया, तुम कौन, बस के ड्राइवर। बस का ड्राइवर चाबी घुमा रहा था, हेड पहना था फटा हुआ जींस, चाबी। पीछे पंडित जी खड़े थे, महाराज जी खड़े थे। महाराज जी ने कहा देखो कैसे कैसे लोग बैकुंठ जाते हैं, तुम कौन,
बस का ड्राइवर, एक काम करो वो सामने वाला जो एसी का रूम है, सूट रूम है, उसके अंदर चले जा, वहां जाकर बैठ जा, वहां पर तुम्हारे लिए चांदी की थाली में खाना आएगा, भोजन कर लेना, दूध आएगा पीना, खूब प्रेम से तुम्हारे लिए पंखा झेलने वाले मिलेंगे, खुश हो गया बस कट रहे। थोड़ी देर बाद महाराज आ गए, तुम कौन? हम गांव के महाराज जी हैं, हम कथा करते हैं, प्रवचन देते हैं, लोगों को प्रवचन सुनाते हैं, कथा करते हैं। अच्छा एक काम करो, सामने जो झोपड़ा दिख रहा है उसमें चले जाओ, गेहूं रखा है पीस लेना खा ले, चूल्हा रखा है फूकनी से फूक मारना, आग जलाना और खाना बनाना। पंडित जी को गुस्सा आ गया, महाराज जी ने कहा हम इतने विद्वान सन, इतने बड़े महाराज, और तुम हमको झोपड़े में ठहरा रहे। और वो आया वो बस का ड्राइवर, उसको तुमने एसी का रूम दे दिया, बैकुंठ में क्या पक्षपात होता है? मैं आंदोलन करूंगा। इतने में तुरंत धर्मराज ने कहा आंदोलन करना है जितना कर लेना, और अभी जाओ झोपड़े में। पर मुझे ये तो बताओ कि उस बस के ड्राइवर को एसी का रूम और मेरे जैसे प्रवचन करने वाले को टूटा हुआ झोपड़ा। इतने में धर्मराज ने कहा यहाँ लेखनी में जो लिखा होता है उससे दिया जाता है। वो बस का ड्राइवर जब बस चलाता था इतनी तेज चलाता था जितने यात्री अंदर बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे, सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे, सब की सब भगवान को याद करते थे। इसलिए उसको उसने कभी भजन नहीं करा, वो कभी कहीं नहीं गया, पर अपनी बस में बैठे हुए लोगों से भी भगवान का नाम निकलवा दिया, इसलिए उसे एसी का रूम मिला है। और तुम प्रवचन देते थे कथा कहते थे, आधे से ज्यादा लोग तो दीवार से टिक्के सोते थे, और बचे कुचे प्रसाद के चक्कर में आते थे, और इतनी देर में अक्षतम केशवम हो जाता था, तुम अपने घर सामान बटोरे चले गए और बाकी के सब अपने घर चले गए। तुमने जनमानस को जगाने का प्रयास नहीं करा, सोते हुए को जगाने का प्रयास नहीं करा, एक बार ये संसार के लोगों को सोते हुए को उठाने का प्रयास करिए। और याद रखना मुर्गा सोते हुए को जगाता है, इसलिए मुर्गे को काट दिया जाता है, और संसार में जो सनातन धर्म को जगाएगा उसको काटने वाले ढेर सारे पड़े। मुर्गा सोते हुए को उठाता है इसलिए उसको काट दिया जाता है, उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। सनातन धर्म को जो जगाने का प्रयास करेगा, सनातन हिंदू धर्म को जो जागृत करने का प्रयास करेगा, दुनिया के लोग उसको बदनाम कर उसको काटने का प्रयास करेंगे, उसको बदनाम करने का प्रयास करेंगे, उसको दबाने का प्रयास करेंगे। पर याद रखना मुर्गा एक काम करता है, भले मरना तो है जगा के ही मर जाऊं, उससे अच्छा सनातनी को जाकर जगा कर ही जाना चाहिए, सनातनी को जागकर और जगाकर ही जाना चाहिए। मेरे शंकर के दरवाजे पर जाओ, ऐप मत देखिए, खोट मत देखिए, सावन के महीने में शिव को लोटा भर के जल चढ़ाओ, तो अपने भीतर के खोट बता दो, बाबा मेरे जैसा पापी संसार में कोई नहीं होगा, पर तू मुझे स्वीकार कर लेना शंभु, मैं तेरे चरणों में पड़ा हुआ हूँ शंभु, शरण काटो दया करी दर्शन। भगवान देवदत्त महादेव माता पार्वती जी के साथ में विराजमान हैं, काशी की पवित्र भूमि पर नंदन मन में मेरे भगवान शंकर पार्वती को लेकर विराजित थे। तभी शिव जी पार्वती जी के साथ में विराजमान, पार्वती जी शिव जी दोनों विराज, दोनों और नंदन वन में बैठे थे। शिव और माता पार्वती जी का जो मिलन है
जब भी भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ में जब भी बैठे हैं, जब कभी भी मेरे देवाधिदेव महादेव पार्वती जी के साथ में बैठते हैं तो कोई धर्म चर्चा हो, धर्म चर्चा। मेरी जीजियों, विदिशा के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बंधु सब एक स्मरण अपने अंदर रखिए। जब अगर कोई अपने पति पत्नी आपस में बैठे हों, भाई भाई आपस में मिल रहे हों, बहन भाई आपस में मिल रहे हों, माता पिता अपने बच्चों के पास में बैठे हों, मिल रहे हों, शिव महापुराण की कथा कहती है व्यर्थ की चर्चा ना कर कर, दूसरों की बात ना कर कर अपनी या अपने महादेव की चर्चा कर, दूसरों की चर्चा नहीं, जितनी कर सकते हो अपनी चर्चा, जितनी कर सकते हो महादेव की चर्चा करो, भगवान की चर्चा करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। अब भाई भाई आपस में बैठे हैं और मालूम पड़े व्यर्थ के लोगों की बात करें तो क्यों समय बर्बाद करें, शिव चर्चा करें। हम तो लोगों से भी कहते हैं अब कभी आप कुबेरेश्वर धाम आए तो प्रयास करा करो कि व्यर्थ की चर्चा छोड़कर कहीं एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, कहीं एकांत में बैठकर भगवान शंकर का गुणगान करिए, कहीं एकांत में बैठकर भगवान की लीला का स्मरण करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में नंदन वन में विराजमान और नंदन वन में बैठे 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 शिव जी को भगवान नारायण ने कुछ बात करना होगी, उसके लिए आमंत्रित। भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों चले एक जगह पर, जैसे ही भगवान शंकर उठकर जाने लगे माता पार्वती जी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? शिव जी कहते हैं मुझे नारायण से कुछ बात करना है तो मैं जा रहा हूँ। पार्वती जी कहती हैं मैं अकेली रहा नंदन वन में रहूंगी, मैं अकेली यहाँ पर विराजमान रहूंगी, मैं कैसे यहाँ पर रहूं? शंकर भगवान ने कहा पार्वती तुम में वो शक्ति है कि तुम अकेली नहीं रह सकते, सामने अशोक का वृक्ष है, आप प्रार्थना करोगी तो आपका एकांत समाप्त हो। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर अशोक के वृक्ष से सम्मुख में से माँ पार्वती जी ने अपने तप और बल से एक कन्या को प्रकट कर लिया जिसका नाम अशोक सुंदरी हो गया। कन्या अशोक सुंदरी को प्रकट किया, वो कन्या पार्वती जी के साथ बैठकर माता पार्वती जी के एकांत को समाप्त करने लगी। इतनी प्रिय हुई मेरे देवाधिदेव महादेव वापिस जब लौट कर आए पार्वती जी को लेने के लिए, पार्वती जी के पास में जब पहुंचे मेरे देवाधिदेव महादेव, जैसे ही माता पार्वती जी के करीब में पहुंचे कन्या को देखा, कन्या और महादेव ने जैसे ही कन्या को देखा, देखते से ही भगवान शंकर ने पूछ लिया माता पार्वती जी से। भगवान शंकर ने पूछा पार्वती ये कौन है? माता पार्वती जी हाथ जोड़कर कहती हैं मेरे एकांत को दूर करने के लिए मेरे एक बेटी को प्रकट किया है और ये हमारे दुख को हमारे शोक को समाप्त करने वाली है, इसलिए इसका नाम मैंने अशोक सुंदर। मेरी जीजियों,
मेरे बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई माताओं, एक बात बहुत अच्छे से अपनी चित्त वृत्ति में उतारिएगा, बहुत अच्छे से। पहले समझ लो कि अशोक सुंदरी का स्थान आप लोगों को तो मालूम है ना सबको, ये जो पीठिका होती है इस पीठिका में एक मिनट देखो इसको, इससे समझ लो, ये जो पीठिका है ये पीठिका माता पार्वती जी का हस्त कमल इस पीठिका, ये भगवान शंकर का शिवलिंग हो गया, ऊपर से जो जलाधारी में से एक एक बूंद पानी नीचे टपकता है वो भगवान शंकर की पांच बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। और इस पीठिका के सम्मुख में जहां से पानी नीचे गिरता है, जहां से ये जो बाघ आगे जाके होता है, जहां से पानी नीचे गिरता है, इसके राइट में श्री गणेश जी, लेफ्ट में श्री कार्तिकेय जी और मध्य में एक मोटी सी प्रत्येक शंकर के शिवलिंग की जलाधारी में एक मोटी सी बीच में एक लाइन होती है, मोटी सी, वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है। वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है, उसको अशोक सुंदरी का स्थान। जब विशेष बहुत आपको लग रहा है कि ये कार्य होने वाला नहीं है, और विशेष अगर कोई कार्य, और बहुत समय अगर आपके निकल भी गए हो, बहुत समय आपका लग गया और वो कार्य नहीं हो रहा, पांच बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब आप चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो भाग है, ये डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, जहां से जल बहता है, उस स्थान की ओर इस डंडी के भाग को रखेंगे। पांचों बेलपत्र, एक बेलपत्र जब डंडी का भाग हमने इधर कर दिया, थोड़ा समझ लें अच्छे से, जैसे ये जलाधारी समझ लो, एक बेलपत्र अपन ने रखी, डंडी का भाग जहां से जल बह रहा है उस ओर है, दूसरी बेलपत्र हमने उठाई और दूसरी बेलपत्र की डंडी को मध्य भाग की पत्ती पर, दूसरे नंबर की पत्ती मध्य बीच वाली पत्ती है उस पर, तीसरी बेलपत्र को फिर बीच वाली पत्ती पर, इस तरह से पांच बेलपत्र हमें देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना चाहिए। पांचों बेलपत्र पर अपनी तीन उंगलियां भगवान शंकर की पांचों बेलपत्र पर स्पर्श करें और एक लोटा जल भगवान शंकर को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल चढ़ाने की दिशा हमने पहले भी आप लोगों से कहा, अगर विशेष कोई कामना से हम जल चढ़ाते हैं, विशेष कोई मन की बात है और वो नहीं हो रही उसके लिए हम जल चढ़ाते हैं, तो ध्यान रखने वाला विषय है जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत में आप बैठ जाओ। जल उत्तर की ओर जा रहा है, आप दक्षिण में बैठ लो, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर लो, क्योंकि जल उत्तर की ओर जा रहा है। इधर जल जा रहा है तो आपका बैठना इधर होना चाहिए, इधर जल जा रहा है तो आपका बैठना हम जहां बैठे ऐसा होना चाहिए, इधर जल जा रहा है तो आप जैसे बैठे हो वैसा होना चाहिए। वहां बैठकर पांच बेलपत्र रखकर उंगली का स्पर्श कर पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर जल की धार दोनों हाथ से देवाधिदेव महादेव को अपने मन की कामना कर अशोक सुंदरी से अपने दिल की बात कहते हुए चढ़ाई। दो या ढाई महीना होगा और देवाधिदेव महादेव आपका वो कार्य सफल करेगा। एक पत्र है, देखिए, श्रीमती निर्मला परिहार
पति ज्ञान सिंह परिहार, मैं शिव नगर कॉलोनी विदिशा रोड भोपाल का निवासी हूँ। विदिशा रोड भोपाल की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। श्रीमती निर्मला परिहार, पति ज्ञान सिंह परिहार, शिव नगर कॉलोनी विदिशा रोड भोपाल के निवासी हूँ। शादी को 14 साल हो गया था, शादी के 14 साल हो गए थे। संतान का सुख नहीं था, सारी दुनिया में गए, झाड़ा फूकी भी कराया, डॉक्टर को भी दिखाया, पर औलाद नहीं। तब हमने आपकी कथा सुनकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और शिवजी के मंदिर में चढ़ाकर जल पीना प्रारंभ करा। 14 साल के बाद मेरे देवाधिदेव महादेव ने मुझे संतान का सुख दिया, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रहा हूं। बच्चे का फोटो पीछे लगा रहा, अगर बच्चे को लाए हो तो व्यासपीठ पर ला सकते हैं। 14 साल बाद संतान का सुख दिया। अब इसमें जो संतान का सुख है वो हमारे विश्वास पर, हमारे भरोसे पर। आवाज, संतान का सुख हमारे भरोसे पर, हमारे विश्वास पर, हमारी दृढ़ता पर निर्भर है, हमारे भरोसे पर निर्भर। अशोक सुंदरी हमारे दिल की, हमारे हृदय की बात को स्वीकार कर रहे हैं। अशोक कितनी बेलपत्र, जम के बोलो जरा, 5। क्रम से 3 उंगली का स्पर्श, पंचाक्षर मंत्र का जाप या षडाक्षर मंत्र का जाप या श्री शिवाय कहते हुए बाबा को दिशा में बैठकर जल समर्पित करते हैं कि भोला सब दुखा ओ भोला सब दुखा। हृदय से बाबा से कहकर दिल से निवेदन जब हम करेंगे, मेरा बेटियों से निवेदन, कोई कह दे कि हमारी शादी 30 साल तक नहीं हुई, 35 साल तक नहीं हुई, 40 साल तक शादी नहीं हो रही, बेटा बेटी कुमारे, मैं उनसे निवेदन करूंगा सोमवार की अष्टमी, जिस दिन सोमवार हो, अष्टमी तिथि हो, उस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप केवल हाथ का स्पर्श मात्र कर लो अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लो अशोक सुंदरी वाली जगह पर, सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली जगह का मात्र स्पर्श कर लेते हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसका विवाह ना हो, विवाह होता ही निश्चितता। अशोक सुंदरी वाली जगह पर, अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श मात्र हमें सुख मिलता है। अशोक शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद करता है, शिव महापुराण वर्णन करती है, भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से सुंदर प्रसंगों का स्मरण कराते हुए जीव कल्याण के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे। हे चंचुला, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान तुमरुका जी कहते हैं, चंचुला चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था, काया के रोग से मुक्त होने के लिए उसने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, रेत बालू का शिवलिंग बनाने का फल क्या होता है? ब्राह्मण शिवरात्रि पर सावन महीने में, प्रत्येक मासिक शिवरात्रि पर, प्रत्येक प्रदोष पर आपके घर पर आकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराते हैं, या आप स्वयं शिवलिंग का निर्माण करती हो, उस पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या है? क्या फल? जब
लंकाधिपति रावण को मारने के लिए मेरे राम जी रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं। शिव जी प्रसन्न होकर पूछते हैं, राम तुमने मेरी स्थापना करी? हाँ, किसके लिए? इस रावण के संहार के लिए। मेरे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, राम तुम अयोध्या से चले थे, अपने पिता का एक गुण तुमने अपने अंदर धारण कर लिया था। आपके पिताजी प्रतिदिन शिवलिंग की पूजन करते थे, आपने वो गुण लिया, नियम बनाया, जब तक मैं शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर लूंगा तब तक कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। जहां जहां राम जी रात्रि रुकते थे, सुबह उठते ही शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते थे और उसकी पूजन करते थे। स्वयं मेरे भोलेनाथ जी ने कहा, राम क्यों चिंता करते हो? पूरे राम पथगमन में भारत सरकार के द्वारा राम पथगमन बना है, अयोध्या से लेकर लंका तक के रामेश्वर तक राम पथगमन बनाया गया है। पूरे राम पथगमन में जहां राम जी पैदल चले हैं बहुत सुंदर सुंदर बनाया गया है। उस पूरे राम पथगमन में आप कभी मौका लगे तो चलकर जाना, देख कर आना। पूरे राम पथगमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं हैं, पूरे राम पथगमन में उतने महादेव के मंदिर हैं, क्योंकि राम जी ने शंकर जी की स्थापना की। जगह जगह पर राम जी ने शिव जी की स्थापना करी, जगह जगह पर शंकर भगवान को विराजमान किया और शिवलिंग का पूजन करा। भगवान शंकर कहते, राम क्यों चिंता करते हो? तुमने इतने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है कि लंका तो तुम्हारी होकर ही रहेगी और रावण का संहार होकर ही। पार्थिव लिंग का हमसे लोग कहते हैं, सावन महीने में शिवरात्रि का आप ऑनलाइन अभिषेक कराते हो, ऑनलाइन शिव अभिषेक कराते हो, क्यों? क्योंकि घर घर में शंकर का शिवलिंग का निर्माण हो और पूरे ब्रह्मांड में सब शंकर के प्रति भाव रखकर एक होने का प्रयास करें, सनातन धर्म जागृति। उस शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करने का फल क्या है, ये तो संपूर्ण देशवासियों को मालूम है, संपूर्ण देशवासी। चंद्रदेव ने काया के रोग के लिए शिव जी की आराधना करी, शंकर भगवान ने काया के रोग से उनको मुक्त किया। फिर वर्णन आया मल्लिकार्जुन का, षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर चले गए थे, उनको मनाने के लिए भगवान देवदिदेव महादेव स्वतः पार्वती जी को लेकर पहुंचकर उनको राजी कर, उनको राजी। एक स्थान श्री शैलम का, एक स्थान श्री शैलम। कभी मौका लगा करे, 12 ज्योतिर्लिंग में जाते हो तो थोड़ा विश्राम कर बाबा का भजन किया करो, कभी मौका लगा। हमारा एक नियम रहता है, आप लोगों को सबको टीवी पर तो आप लोग सुनते ही हो, आपको मालूम ही है कि जहां भी हम रुकते हैं वहां 4 दिन तक हम किसी से नहीं मिलते, किसी से, केवल अपनी माला जाप करना। हमारे जो ठाकुर जी हैं, सालीग्राम जी हैं और शंकर जी हैं, उनकी सेवा जितना बन सकता है, जिस भवन में रुके हैं, जिस जगह पर रुके हैं, वहां अनुष्ठान, संपूर्ण जगत कल्याण के लिए जो बन सकता है वो भजन। 4 दिन के बाद सुबह शाम सबसे थोड़ा थोड़ा मिलना हो जाए, पर 4 दिन नहीं। और मैं धन्यवाद दूंगा द रिवर साइड के, जिन्होंने होटल बनाई है, श्री राहुल जी, सत्य प्रकाश जी अग्रवाल, श्री राहुल जी अग्रवाल, श्री रोहित जी अग्रवाल, जिन्होंने हमें 4 दिन तक सहयोग प्रदान किया।
खुद ओनर होने के बाद भी, उस होटल के मालिक होने के बाद भी, मैं दोनों भाइयों को धन्यवाद देता हूँ, राहुल और रोहित जी को, कि इनके परिवार का, इनकी बहुएं, इनके बच्चे तक हमारे कक्ष में नहीं आए और उन्होंने देख लिया। एक बार रोहित जी जरूर बीच में एक दो बार देखने आए, उस समय पर उन्होंने देखा महाराज जी जाप में लगे हैं, पाठ में लगे हैं, वो मिले भी नहीं और चले। मैं साधुता देता हूँ। और बहुत अच्छी व्यवस्था आपने होटल के अंतर्गत बाबा की भक्ति में दी, उसके लिए एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर अग्रवाल जी को, श्री शंकर प्रकाश जी अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, रोहित जी अग्रवाल को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत सहज कईयों को लगता है हमसे तो महाराज मिलते ही नहीं, हमसे तो महाराज मिलते ही नहीं, हम तो ये करते हम तो वो करते, हमसे तो मिलते ही नहीं, हम तो यजमान, हम आयोजक, हम कथा वाले, हम ये वाले, हम मंत्री, हम संतरी, हम कलंत्री, हमसे तो भगवान गुरु जी मिलते ही नहीं। हमारा निवेदन है कि ये कथा है, इसको जितना दिल से आप सुन सकते हो और जितना हम भजन कर सकते हैं, जब कोई संत साधु या कथाकार अगर भजन करता है तो उसका सारा फल उसके यजमान को प्राप्त होता है, उसके यजमान सारा फल। जभी तो आज शर्मा जी हैं या स्वामी जी हैं, ये यजमान पद पर विराजमान, तो फल मिलता है प्राप्त, भजन कर भक्ति, एक विश्वास जागृत कर। और कोई कहे कि हमसे नहीं मिलते, हम आयोजक हैं, हम आयोजन कराने वाले, हमसे मिलना चाहिए, तो हम निवेदन करेंगे लाइट का मीटर कौन लगवाता है, अरे जम के तो बोलो, घर का मालिक ही लगवाता है ना, मीटर तुम लगवा रहे हो, तुम कह रहे हो कि हमने लगवाया, तो तुमने मीटर लगवाया तो करंट हाथ लगा के चेक कर लो, खुद चेक करना कि करंट है कि नहीं, मीटर लगवाया है खटके में कनेक्शन आएगा, लाइट चालू करो पर डायरेक्ट करंट को चेक मत करो। उसी तरह कथा सुनो पर विचार ये ना रखा जाए कि आपको हमसे मिलना चाहिए, हमसे जुलना चाहिए। चार दिन भगवान शंकर की भक्ति में रम जाएं, भगवान का भजन करें, बाकी का उसका पुण्य यजमान को भी मिले और संपूर्ण विदिशा वासियों को प्राप्त हो, वो सुख होना। अच्छा मिलेंगे भी तो उससे क्या होगा, तुम बोल दो ईमानदारी से, कुछ होने जाने वाला है, कुछ नहीं। गुरुजी इस्माइल, गुरुजी इससे ज्यादा कुछ होगा, केवल एक फोटो, और वो गाना है ना, फोटो फ्रेम में जड़वाने से अच्छा हृदय में रखो ना, भगवान की भक्ति करो। श्री शैलम की पवित्र भूमि पर भगवान शंकर ने दर्शन दिए, आज भी श्री शैलम के शिखर पर दो ध्वजा लगती है, एक ध्वजा अमावस्या के दिन लहराती है, दूसरी पूर्णिमा के दिन लहराती है। ये वहां का प्रताप श्री शैलम का, वहां एक कूप है जिसमें शिखर का दर्शन होता है, मल्लिकार्जुन के नेत्र की ज्योति बढ़ती है। श्री शैलम में मेरे देव अधिदेव महादेव की प्रतिदिन आनंद के साथ विराजमान मंगल विवाह। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की ही। अगला वर्णन आया है महाकाल, दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए काल अधिपति महाकाल प्रकट हुए। समय आया ओमकारेश्वर, भगवान नर नारायण के, भगवान स्वयं बिंदी के तप से प्रकट हुए और ओमकार के रूप में विराजमान, बिंद पर्वत के तप से भगवान नर्मदा के आनंद में विराजमान। अगला वर्णन आया है केदारनाथ, नर नारायण के तप करने से भगवान शिव प्रकट होते हैं, फिर भीमा शंकर कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर शिव भीमा शंकर बनते हैं। अगला वर्णन आया काशी विश्वनाथ, मनु सतरूपा का तपल प्रकट कर भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मिटाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट होते हैं, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। वैद्यनाथ, रावण
भगवान शिव को लेकर जा रहा था, भगवान भूमि पर वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन है नागेश्वर, दारूप नाम के राक्षस के संहार के लिए शिव नागेश्वर बन जाते हैं। फिर आया है रामेश्वर, भगवान राम जी के लिए भगवान शिव विराजमान होकर रामेश्वर बनकर विराजित होते हैं। अगला वर्णन कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी भूषमा के बेटे को भगवान ने वापिस जीवित करा, शिव जी कृष्णेश्वर महादेव बनकर विराजित हो जाते हैं। चंचुला देवी के पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होते हैं और देव योनि को प्राप्त होते हैं। भगवान शंकर अपनी जटा से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। बाबा कहते हैं, सुनो तुम रुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जिस नगर में, गांव में, क्षेत्र में, कॉलोनी में जहां होती है वहां शंकर विराजमान रहते हैं। इस कॉलोनी के सभी एक एक घर के लोगों को धन्यवाद देता हूं, पूरी कॉलोनी वालों ने, जिनको पहचानते तक नहीं लोग, उन कॉलोनी वालों ने अपने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे भक्तों को रुकाने के लिए। धन्य है, सारी कॉलोनी के लोगों ने अपनी छत, गैलरी, मकान खोल दिए। देखा इतना कीचड़ पानी हो रहा है, दरवाजे खोल दिए। ऐसे कॉलोनी के रहनिवासियों को, मैं ये गिरधर कॉलोनी है, इसके रहनिवासियों को और यहाँ के सभी वासियों को साधुता देता है, बहुत बहुत सेवा का प्रकार। शिव तत्व बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। शिव जी ने अपनी वाणी से कहा, ये शिव महापुराण की कथा नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान है, शिव पुराण के रूप में शंकर कहते हैं, मैं वहीं विराजमान रहता हूं। बाबा ने अपने आशीष आनंद दिए और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो ये भाव रखते हुए ये शिव पुराण समस्त रोगों को समाप्त करने वाली, समस्त दुखों को हरने वाली, समस्त जीव का कल्याण करने वाली है। जिस भूमि पर, जिस स्थान पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा होती है वो संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध कर देती है। बाबा आशीष करते हुए, आनंद देते हुए शिव पुराण को विराम की ओर लेते हैं। तुम रुका जी देवदिदे महादेव के मस्तक पर शुपोथी को रख कर ले जाते हैं। मैं माँ सरस्वती मानस मंडल, सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति, श्री धर्मेंद्र सक्सेना जी, श्री निशलेन सिंह जी, अभिषेक लक्की अरोरा जी, पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी के सभी के सहयोग, शिव एवं अंगद सेन जी, विदिशा की सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, समस्त सनातन धर्म बंधु, संपूर्ण विदिशा का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, संपूर्ण प्रशासन, सब ने मिलकर इस कथा को, जो 4 दिन में विराम हो रही थी, 7 दिन तक इस कथा को पूर्ण कराया, उसके लिए साधुता देता हूँ। यजमान परिवारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथ में आचार्य श्री रविकृष्ण शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ जो इस पवित्र शिव पुराण की कथा को कुबेरेश्वर धाम से यहाँ तक लेकर आए। काशी से आए हुए ब्राह्मणों को, विदिशा के सभी ब्राह्मणों को चरणों को नमन कर साधुवाद देता हूँ, आपने इस कथा को श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बनाया। धर्मेंद्र सक्सेना जी, शैलेन्द्र सिंह राजपूत जी, अभिषेक लक्की अरोरा जी, मुख्य यजमान संतोष रनु शर्मा जी, सह यजमान राधिका शरण दास जी एवं माननीय विधायक महोदय, विदिशा के नगरपालिका अध्यक्ष आदिक महोदय और माननीय प्रहलाद पटेल जी मंत्री महोदय एवं समस्त एक एक कार्यकर्ता, नगरपालिका के एक एक सेवादार जिन्होंने आकर इस भारी बारिश में भी कचरा उठाया, सेवा करी, चाकरी करी, उनको साधुवाद देता हूँ। पुलिस प्रशासन, यहाँ का एक एक पुलिसकर्मी जिसने पानी नहीं देखा अपने काम में लगे रहे, मेडिकल टीम, हॉस्पिटल टीम, सभी को साधुवाद देता हूँ।
यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम, यहाँ के टीआई, आईजी, सभी को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस कथा को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करा। लाखों की संख्या में आप लोग कथा श्रवण करने पधारे, आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए प्रणाम करता हूँ। इस वाणी से कहने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करते हुए बाबा की कथा को अपने दिल में उतारिएगा, बाबा का भजन करिएगा। अब 14 तारीख से 21 तारीख तक सीहोर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से 1 बजे से 4 बजे तक महादेव गुरु शिव महापुराण कथा को श्रवण करेंगे। उसके बाद में 23 तारीख से 29 तारीख तक लखनऊ की पवित्र भूमि से कथा को श्रवण करेंगे। 17 अगस्त को बाबा की कावड़ सीहोर में भराएगी। आप सब 17 अगस्त को कावड़ यात्रा में पधार कर बाबा की कावड़ अवश्य भरें। कई लोग सावन के महीने में कावड़ भरते हैं बाबा की, जरूर पधारें, सीवन का जल भरें और 1 महीने तक कावड़ का मेला बाबा के धाम में रहेगा। कुबेरेश्वर बाबा के धाम में अपने साथ सब भक्तों को लेकर 1 महीने सावन के महीने में कभी भी कुबेरेश्वर धाम आकर बाबा की कावड़ भर सकते हैं, सीवन का पवित्र जल बाबा को चढ़ा सकते हैं। हर हर।